राजस्थान में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला में कई स्थान महान ऋषि मुनि और तपस्वियों की तपोस्थली रहे हैं। आज यही स्थान जन जन की आस्था और श्रद्धा का महान केंद्र बनकर पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में पूजित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर धाम भी ऐसा ही पावन स्थल है, जहां पौराणिक काल में राजा बलि ने तपस्या की थी। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम नदी के संगम स्थल पर बने मत्स्य आकार के एक टापू पर स्थित बेणेश्वर धाम वो पावन धाम है, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात ही नहीं बल्कि दूर दूर तक बसने वाले भील समुदाय के लोग वर्ष में एक बार आकर संगम स्नान के बाद बेणेश्वर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। सर, बेणेश्वर का नाम का तो उतना उसका गहरा उतना मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, बाकी बेणेश्वर वो इस शिव मंदिर मूर्ति के हिसाब से इन्होंने लगाया है, यहाँ पे पड़ा है। वो ये त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियाँ मिलती है, सोम, माई और जाकम। माई एमपी से आ रही है, जाकम ये चित्तौड़ से आ रही है, और सोम जो है सोम गाँव है खेरवाड़ा के अंदर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आ रही है। पूरा टापू 350 बीघा के लगभग का है, पूरा मत्स्य आकार का बना हुआ है। तो जो राजा बलि ने या भगवान ने जो जमीन नापी थी तब कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखा, तो उन्होंने जब पाताल में डाला गया था वो ये आबुद्रा है, यहाँ पे उनको पाताल में गए हुए। बेणेश्वर धाम में स्थित ये शिवलिंग पूरे देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो खंडित होने के बाद भी पूजा जाता है। इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। बेणेश्वर धाम में लगे एक शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। खंडित शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि ये शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग है। ये शिवलिंग है पंचमुखी है, गांव का खुर लगने से पंचमुखी हुई है शिवलिंग। ये विश्व में खंडित शिवलिंग गिना जा रही है सर, और इसी शिवलिंग में अगर 10 की मोटर का पानी डाले, अगर इनको पीना हो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, अगर नहीं पीना तो एक लोटा सुबह डालो, एक लोटा शाम को निकालो। शिवलिंग के बारे में प्रचलित एक कथा के अनुसार इस शिवलिंग पर एक गाय द्वारा अपने दूध से नित्य दुग्धाभिषेक किया जाता था। एक दिन गाय का मालिक गाय के पीछे पीछे आया, जिसे देखकर गाय चौंक गई और उसका खुर शिवलिंग से टकरा गया। खुर की टक्कर से शिवलिंग के बीच में एक गड्ढा हो गया। गड्ढे के चारों तरफ शिवजी के मुख अवतरित हो गए और एक मुख शिवलिंग के गड्ढे में बना। ये लसड़ा करके गांव है, वहाँ एक पाटीदार की गांव थी, वो चरने के लिए यहाँ जंगल में आती थी। यहाँ खतीर का झाड़ था पहले बिल्कुल, और जैसे गांव वहाँ घर से छूटती और जैसे आके यहाँ खड़ी रहती और ऑटोमेटिक दूध का अभिषेक शिवजी के ऊपर ऑटोमेटिक होने हो जाता था। और एक दिन घर वाले ने देखा कि मेरी गाय का दूध कौन निकाल लेता है, तो वो पीछे पीछे आया और आते समय गांव यहाँ खड़ी थी और गांव भटक गई उसको देख के, तो एक शिवजी का पैर ऊपर गिर गया, उस समय से वो शिवलिंग पंचमुखी हो गया। इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि शिवलिंग के गड्ढे में जल डालने पर जल शिवजी द्वारा पी लिया जाता है। अगर शिवजी को जल नहीं पीना होता तो एक लोटा जल भी सुबह से शाम तक शिवलिंग में भरा रहता है। शिवलिंग की स्थिति ऐसी है सर, ये जैसे गांव का पैर पड़ने से ऐसी शिवलिंग हो चुकी है, पांचों भागों में बांटी हुई है, बीच में खड्डा है, एक शिवलिंग का भाग अंदर है और बीच में पानी रहता है सर। सुबह एक लोटा पानी चढ़ाओ और शाम को एक लोटा पानी निकाल लो, अगर इनको पीना हो तो 100 की मोटर का पानी डालो इस खड्डे में, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा सर। डूंगरपुर के राजाओं को जब इस शिवलिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर निर्माण के लिए जब शिवलिंग को निकालने की कोशिश की गई, तो 30-40 फुट खुदवाने के बाद भी शिवलिंग का दूसरा छोर कहीं नजर नहीं आया।
पता लगा दरबार को, उन्होंने कहा भाई ऐसा है तो यहाँ शिवलिंग निकला हुआ है, उन्होंने कहा चलो उसको खुदवाओ। खुदवाने के लिए यहाँ लेबर वेबर लगवा के खुदवाया, तो कम से कम 30 फीट से 40 फीट लगभग उन्होंने अंदर गहरा खुदवाया, फिर भी वो शिवलिंग नहीं निकला। फिर वहाँ से अपने आप ब्लड निकला वो गेती लगने से, तो फिर उन्होंने सपना दिया कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, यहाँ से हटाया नहीं जाए, और अगर मंदिर बनाने की इच्छा भी हो तो आप यहीं पे बनाया जाए। बेणेश्वर धाम में वैसे तो श्रद्धालु कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन काल सर्प योग का अनुष्ठान यहाँ सफलतापूर्वक किया जाता है। ऐसा माना गया है कि बेणेश्वर धाम में काल सर्प योग के अनुष्ठान के बाद इस योग का कभी जिंदगी में दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ की मन्नतें अक्सर ये होती है कि जिसके संतान नहीं है, काल सर्प योग है, वो यहाँ पर टोटल राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र से भी आते हैं पूजा करने, और उनकी मान्यताएं जो है मन्नतें वो भी पूरी होती है, और काल्प सर्प योग की पूजा विशेष बेणेश्वर धाम के नाम से यहीं होती है। राजस्थान के आदिवासियों के जीवन में क्या है बेणेश्वर धाम का महत्व, बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। डूंगरपुर से 65 किलोमीटर दूर बेणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम स्थल पर बने एक विशाल टापू पर स्थित है। बेणेश्वर शिवालय तक पहुंचने के लिए नदी पर बने पुल से ही पहुंचा जा सकता है। मंदिर में भगवान की दो बार आरती की जाती है। आदिवासियों की पावन स्थली बेणेश्वर धाम स्थित बेणेश्वर शिवालय में हो रही आरती का हमारे साथ आप भी दर्शन लाभ उठाएं। Thank you.
बेणेश्वर धाम में कब आयोजित होता है आदिवासियों का महाकुंभ और क्या है इस महाकुंभ का महत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम। डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम नदियों की त्रिवेणी पर स्थित बेणेश्वर में हर साल माघ शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचमी तक विशाल मेला भरता है। इस मेले में वागड़ आंचल सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई इलाकों से लाखों श्रद्धालु आते हैं और पावन संगम स्थल में डुबकी लगाकर अपने मृत परिजनों की अस्थियों का संगम में विसर्जन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मेले के दौरान किए गए अस्थि विसर्जन से मृतक आत्मा को जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। कृष्ण मंदिर संत मावजी महाराज ने बनवाया था, वो थे तब बना, वो पहले नहीं था, पहले शिव मंदिर था उसके बाद में, फिर ब्रह्मा मंदिर उसके बाद में निर्माण करवाया गया। पहले यहाँ कम से कम 400-500 गाय थी उस जमाने में, यहाँ ये पुल वुल कुछ भी नहीं था, कोई रहते नहीं था, यहाँ मुश्किल से एक आधा दो सेवक रहते थे, बाकी अंदर भरी नदियों में गिर के अंदर से जाते थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे आदिवासियों के लिए ये मेला और ये स्थल पावन तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग और काशी जितना ही पवित्र है। पौष पूर्णिमा के दिन जब ये मेला अपने पूरे चरम पर होता है, उस दिन इस मेले में लाखों पदयात्री भी शामिल होते हैं और पूर्णिमा के दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या किसी कुंभ मेले में आने वाले भक्तों से कम नहीं रहती। श्रद्धा और आस्था के संगम के कारण बागड़ का ये मेला कुंभ के मेले का रूप ले लेता है। बेणेश्वर शिवालय के पास ही कई मंदिर स्थित हैं। इनमें प्रमुख मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री मंदिर और वाल्मीकि का मंदिर, कृष्ण राधा का विशाल मंदिर, जन जन के श्रद्धा केंद्र संत भावजी द्वारा बनाया गया है। आदिवासी संत भावजी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। संत भावजी ने भी इसी स्थान पर तप और साधना की थी। कहा जाता है कि बेणेश्वर धाम ही वो जगह है जहां से पौराणिक काल में राजा बलि ने पाताल लोक के लिए गमन किया था। वाल्मीकि ऋषि ने भी यहां तप किया था। पावन धाम बेणेश्वर वो स्थान है जो प्राचीन काल के धार्मिक गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। वहीं आज इसने अपनी वो पहचान बना ली है जहां आदिवासी संस्कृति और जनजीवन से सहज ही साक्षात्कार किया जा सकता है। बेणेश्वर शिवालय और बेणेश्वर धाम में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। मेले के दौरान रात को बिछी रंगीन रोशनी की चादर में ये स्थल और भी मोहक और आकर्षक हो उठता है और ऐसा लगता है कि ये पावन धाम न सिर्फ आदिवासियों का श्रद्धा स्थल है बल्कि जन जन की आस्था का केंद्र भी है। ऐसे ही पावन स्थल पर आज की आरती की यात्रा को हम यहीं देते हैं विराम। कल आपसे फिर भेंट होगी आस्था के किसी नए मुकाम पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।